स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज शालिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर। एक्चुअली इक्विलिब्रियम चैप्टर की पहली क्लास हमारी हो चुकी है, आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडीज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल भी मैंने ट्राई किया था लाइव जाने के लिए, लाइव क्लासेस लेने के लिए, बट हुआ ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास हमारे ढंग से नहीं हो पाई, कुछ क्वालिटी एरर्स थे उसमें, तो मैंने वो डिलीट कर दी क्लास एंड दोबारा मैं आज वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको। तो कल ही मुझे पता लगा कि 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे तब तक मैं क्लासेस लाइव नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट सेक्शन है जो साथ साथ आता रहता है, वो नहीं आता है। तो व्हाट इज द पॉइंट टू टेक लाइव क्लास। तो स्टूडेंट्स हेल्प मी टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड तब तक हम रिकॉर्डेड क्लास को ही पढ़ेंगे। तो मैं डेली आपको 11th की क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगी, डेली अपलोड करूंगी एंड रात को 10th की क्लासेस भी अपलोड होंगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन होना या टेक प्लेस करना केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन वो होती है जो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद कोई नई चीज फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं जो रिएक्टेंट से अलग होते हैं कॉम्पोजिशन में। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस में जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसके लिए बहुत मैंडेटरी कंडीशन है कि रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। तो बेटा रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें प्रोडक्ट फॉर्म करें एंड प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट फॉर्म करने लायक हो। इसका मतलब है कि द रिएक्शंस इन विच नॉट ओनली रिएक्टेंट्स रिएक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करे, बट प्रोडक्ट्स ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स अगेन, प्रोडक्ट भी रिएक्ट करे और वापस से रिएक्टेंट फॉर्म कर सके। तो ऐसी रिएक्शंस को बच्चे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड यहाँ पे एक और बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन आपको समझ में आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में उसकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है, मतलब किसी काम करने के पीछे कुछ फोर्स होती है, वो दो तरीके की होती है। कैसी, एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, एक होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना। तो जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो जो रिएक्शन है हमारी वो फॉरवर्ड भी जाती है एंड बैकवर्ड भी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज सच रिएक्शंस प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कंसेप्ट हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का। मैं एक रिएक्शन लिख रही हूं यहाँ पे, दिस रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज शोइंग द रिवर्सिबल रिएक्शन। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एंड सी और डी जो है प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लगाए हैं, वो शो कर रहे हैं हमें स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है जो बैलेंसिंग के लिए हम नंबर्स लगाते हैं जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो हमें बता रही है कि जब रिएक्शन होगी रिवर्सिबल होगी तो हमें इस तरह का सिंबल यूज करना है। इस तरह का सिंबल कहाँ पे यूज करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो आगे चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ग्राफ क्या है उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात की जो मैं ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पे, वो ग्राफ दो चीजों के बीच में है, टाइम एंड रेट। रेट का मतलब है कि स्पीड, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपने एक डिस्टेंस कवर किया, आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया 10 मिनट्स में, तो जनरली स्पीड कैसे निकाली जाती है या फिर आप किस रेट से वहां पहुंच गए हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट में आप कैसे पहुंचे हैं। तो आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन जितना आपको टाइम लगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम में जब हम किसी रिएक्शन की कितनी जल्दी वो पूरी हो रही है वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिया है रेट, रेट मतलब कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन होगी, एंड यहाँ लिया है हमने टाइम, टाइम का मतलब है स्टार्टिंग हमने कर दी रिएक्शन की एंड आफ्टर सम टाइम रिएक्शन कहाँ पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t = 0, t0 मतलब टाइम 0 पे रिएक्शन की क्या स्पीड है, क्या प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप स्टार्टिंग में एट t0 आप जानते हैं रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे ये रिएक्शन है यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, इसका अमाउंट काफी
ज्यादा है, ज्यादा मतलब रिएक्टेंट ही तो प्रेजेंट है, प्रोडक्ट तो बने ही नहीं। जब रिएक्टेंट है सिर्फ तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, ये होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ये होती है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड में ही रिएक्शन जो है चलेगी जब रिएक्टेंट ही होते हैं हमारे पास, मतलब टाइम जीरो पे रिएक्टेंट मैक्सिमम है एंड टी जीरो पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। बट स्टूडेंट धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट्स खत्म होने लग जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे। जब वो खत्म होना लग जाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन की जब स्पीड कम होगी तो ग्राफ कैसे जाएगा ऐसे, ठीक है, डिक्रीज में जा रहा है एंड धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए, प्रोडक्ट्स जो है वो बनना शुरू हो गए। तो जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए बैकवर्ड रिएक्शन जो स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो थी, मतलब नहीं हो रही थी, जैसे जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी दोनों स्पीड जो है बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट जहां पे इनकी स्पीड बराबर हो जाएगी उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो रिएक्शन है वो दोनों साइड चल रही है और वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये पहला ग्राफ है टाइम वर्सेस रेट का, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। अब हम चलते हैं एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर वन। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट को हम और क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। तो लाइमस्टोन का मतलब है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी करवा रहे हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब उसको हम इन प्रेजेंस ऑफ हीट उसको हम ब्रेक करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे ब्रेक होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, क्या बनाएगा CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सब लोग जानते हैं इस रिएक्शन को। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन को फॉलो करती है। यहाँ पे एरो क्या है बच्चों, रिवर्सिबल का साइन है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है एंड बैकवर्ड भी जा सकती है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे एक चैम्बर जिसमें हमने लगाया हुआ है मैनोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मैनोमीटर। मैनोमीटर मतलब मरकरी का है, ये मरकरी है इसमें Hg। तो इसका अगर इक्वल लेवल होता है, मरकरी इसमें फिल्ड होती है, अगर इसका इक्वल लेवल है इसका मतलब कि वहां पे ज्यादा वेपर्स नहीं है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया एक उसमें चाइना डिश में, वो धीरे 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 कैल्शियम कार्बोनेट, अभी इनिशियल स्टेज पे कोई भी वेपर नहीं है इस चैम्बर के अंदर, बट धीरे धीरे क्या होगा, ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम CO2 बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड जब ये बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे वेपर्स बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, वो तो सॉलिड है वो तो उसमें रहेगा चाइना डिश में, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स बनेंगे वो पूरे चैम्बर में भर जाएंगे, वो इस कंटेनर के अंदर पूरे में सारी जगह को सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। आफ्टर सम टाइम उसको पता लगेगा भाई यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ चल सकते हैं हम। तो जैसे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको पता है बहुत भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है, बट आपने नोटिस किया एक पर्सन सिर्फ लेटा हुआ है सो रहा है आराम से, तो आप क्या सोचोगे भाई इतने सारे लोग खड़े हैं तो आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, बैठने दीजिए और लोगों को। तो वेपर्स भी क्या करते हैं, मरकरी को बोलेंगे भैया मरकरी शिफ्ट हो जाओ, हमें और भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो मरकरी पे प्रेशर लगाएंगे और उसको थोड़ा शिफ्ट करवा देंगे। तो स्टूडेंट जब प्रेशर लगाते हैं वेपर्स तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स जो है वो प्रेशर लगा रहे हैं एंड उसको उसने इधर खिसका दिया, थोड़ा शिफ्ट करवा दिया एंड जो दोनों के लेवल में डिसबैलेंस आ गया उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब सारी जगह कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स भर जाएंगे उनके पास और जगह नहीं रहेगी तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा एंड साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में भी होने लग जाएगी जब उनके पास स्पेस खत्म हो जाएगी, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है एंड बैकवर्ड भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये था केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट एग्जांपल। अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जांपल की साइड।
सेकेंड एग्जाम्पल हम करेंगे अमोनिया का. अमोनिया जो है वो हेबर्स प्रोसेस से फॉर्म होती है. तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं हेबर्स प्रोसेस. सेकेंड एग्जाम्पल में चल रहे हैं हम लोग. एग्जाम्पल नंबर टू हेबर्स प्रोसेस. तो होता क्या है यहाँ पे N2+3H2 ये दोनों गैसेस में प्रेजेंट है. नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है एंड एरो लगाना है आपने रिवर्सिबल बिकॉज ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड यहां बनता है अमोनिया N2NH3 एंड वो भी गैसियस फॉर्म में होता है. तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमने लिया क्या रिएक्टेंट्स लिए हैं और रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया. अब हम दूसरा ग्राफ बना रहे हैं. पहला ग्राफ हमने ये स्टडी किया दूसरा ग्राफ स्टडी करेंगे. कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम. तो बच्चे आप जानते हो टाइम के साथ साथ कंसेंट्रेशन जो है क्या इफेक्ट आएगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में. यहाँ पे टाइम जीरो है तो मुझे आप बताओ कि टाइम जीरो पर मतलब जब आपके पास टाइम आप जीरो ले रहे हो इनिशियली एट इनिशियल स्टेज किसके रिएक्टेंट ज्यादा होंगे इन तीनों में से किसके मतलब एटम ज्यादा होंगे. ऑब्वियसली रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे तो नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ज्यादा होने वाला है और धीरे धीरे कम होगा टाइम के साथ साथ. मतलब टाइम आगे बढ़ेगा तो दोनों का अमाउंट इनका जो अभी ज्यादा है वो कम हो जाएगा. ठीक है एंड अमोनिया स्टार्टिंग में तो जीरो थी उसका अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे अमोनिया फॉर्म होगा. अमोनिया जो स्टार्टिंग में जीरो थी उसका अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है. बट बच्चे आफ्टर सम टाइम देयर इज अ स्टेज लाइक दिस. एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब रिएक्टेंट का अमाउंट जो था वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड प्रोडक्ट का अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो जब ऐसी स्टेज आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है. ठीक है स्टूडेंट्स तो ये है इक्विलिब्रियम का सेकेंड एग्जाम्पल. केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे स्टडी कर लिया है. तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम होता है किस तरह से आगे चलेगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हर जगह फॉलो होते हैं हर जगह वही कैरेक्टर्स हमें हर केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में देखने को मिलते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. पहली बात कि जो केमिकल आपका इक्विलिब्रियम है वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है जो उनका कंसंट्रेशन है वो एक टाइम पे जाने के बाद कांस्टेंट हो जाता है. जैसे हमने इस ग्राफ में भी देखा कि एक टाइम पे जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो इनके जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गए. मैं इंक्रीज डिक्रीज या इक्वल नहीं बोल रही हूँ इक्वल भी नहीं होंगे इक्वल की बात नहीं हो रही जितना है वो कांस्टेंट हो जाएगा मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो पहला पॉइंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कॉन्स्टेंट. जो भी अमाउंट होगा पर वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा बिकम कॉन्स्टेंट. किस किस का अमाउंट बच्चों रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है. तो ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं. तो हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या बोलता है उसको देख लेते हैं. वैसे इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम चाहो तो. इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लो. ऐसा ही ग्राफ बनेगा कुछ. अगर मैं कंसेंट्रेशन का ग्राफ बनाती हूं फिर से टाइम के साथ तो t जीरो पर आप जानते हो किसका कंसेंट्रेशन कम होगा प्रोडक्ट जो है उसका कंसेंट्रेशन कम रहता है. तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कम है ठीक है स्टूडेंट्स एंड रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है. तो प्रोडक्ट का धीरे धीरे बढ़ेगा एंड रिएक्टेंट का जो है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे. तो ग्राफ जो है इस तरह का आएगा ठीक है.
करेंगे, जहां पे आने के बाद इनका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम अटेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और ऐसा ग्राफ आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो सेकेंड बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या है सेकेंड, स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है कि हमेशा चलते रहना, कभी रुकना नहीं है। तो बच्चों हमें लगता है एक जगह पे जब रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुकी है, बट ऐसा होता नहीं है, रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती रहती है। तो इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं कि रिएक्शन चलती रहती है, एक्चुअली हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या किया, हेबर्स प्रोसेस किया, N2+3H2 गिव्स 2NH3। एक तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट कराया आपने इस तरह से N2+3D2 2ND3। ड्यूटेरियम होता है बच्चों, ये जो है आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ये होते हैं तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो बच्चे आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं, इसका मतलब काफी हद तक सिमिलैरिटी है इनमें। तो अगर हम हाइड्रोजन यूज करें या ड्यूटेरियम यूज करें, रिएक्शन सेम टू सेम जैसे चलने वाली है। तो हमने जब इसके साथ किया तो हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो था उसके अंदर ये तीनों चीजें मिली, ठीक है। जब हमने रिएक्शन ड्यूटेरियम लेकर के मिला करा तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद हमें ये तीनों चीजें मिली। बट अगर हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में दोनों चीजें मिक्स कर दें, जो रिएक्शन मिक्सचर ए है और बी है, जब हम उसको मिक्स कर दें दोनों को, तो क्या होगा, हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, कि आफ्टर सम टाइम जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर था उसमें बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज है। अलग अलग तरह की स्पीशीज का मतलब वहां पे N2 है, उसके अलावा जो हाइड्रोजन है वहां पे तीन तरह के हाइड्रोजन है, मतलब H2 भी है, D2 भी है और H और D भी है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ने मिलकर भी एक टाइप ऑफ H2 बना लिया है वहां पे, तो वो भी है। और अगर मैं NH3 की बात करूं, अमोनिया की बात करूं, तो वहां पे NH3 भी मिला हमें, ND3 भी मिला हमें, NHD2 भी मिला हमें, NH2D भी मिला हमें। तो मतलब कि हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिले। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया बच्चों, उसके बाद भी रिएक्शंस चल रही हैं अंदर और अलग अलग स्पीशीज बन रही हैं। ये बन रहा है, कभी फिर दोबारा रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, फिर बैकवर्ड चलेगी। इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो रुकती नहीं है। कांस्टेंट होने का मतलब है हमें दिखता है कि अमाउंट कांस्टेंट हो चुके हैं, वो रिएक्शन रुक गई है, बट वो रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती रहती है, डायनामिक इन नेचर है, मतलब मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते रहते हैं आपस में। तो स्टूडेंट्स इसको आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं आप 12th के साथ NCERT के अलावा एक और एडिशनल बुक फॉलो जरूर करें, एंड उसमें आप इसको इसकी थ्योरी को अच्छे से रीड करें, बिकॉज समझने में एंड थ्योरी को रीड करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में गैसेस इन्वॉल्व हैं, गैसेस रिलीज हो रही हैं, उनको हमें क्लोज कंटेनर में करवाना पड़ेगा। अगर आप क्लोज कंटेनर यूज नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर हम क्लोज कंटेनर यूज नहीं करेंगे बच्चों, तो गैसेस जो है वो इवॉल्व हो जाएंगी, नेचर में चली जाएंगी, एंड कभी इक्विलिब्रियम बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट्स को, गैसेस को वहां रखना पड़ेगा, उस सिस्टम में बंद करके रखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को, केमिकल इन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस टेक प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर ही आप इसको करा सकते हो, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो आपने उसको क्लोज कंटेनर में करवाना है। अगर आप जो कंटेनर है उसको ओपन रखेंगे तो एस्केप आउट हो जाएंगे गैसेस,
और कभी वो वापस उसमें कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगी, तो रिएक्शन जो है वो वन साइडेड रह जाएगी, कभी बैकवर्ड नहीं चलेगी। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर फोर, कैरेक्टरिस्टिक्स का फोर्थ पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का फोर्थ पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। पॉइंट का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है केमिकल वो कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से अटेन किया जा सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन से आप रिएक्शन को स्टार्ट कर दो या बैकवर्ड डायरेक्शन से भी रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तब भी इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। तो ये था पॉइंट नंबर फोर। कम टू पॉइंट नंबर फाइव, कैटलिस्ट। तो बच्चों आप जानते हो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अगर हमने ऐसे किसी रिएक्शन में रिवर्सिबल जो रिएक्शन होने वाली है उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा। अगर आपने उसमें कैटलिस्ट डाला तो स्पीड तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कैटलिस्ट यूज किया है। बट स्टूडेंट्स स्पीड फॉरवर्ड की बढ़ जाती है रिएक्शन की तो बैकवर्ड की भी बढ़ जाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम जो 10 या 15 मिनट बाद आने वाला था वो 5 मिनट में भी आ सकता है। तो इसका मतलब कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट था कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड या कह सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट का मतलब है कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये स्पीड को इंक्रीज करती है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो अटेन होने वाला है वो जल्दी अटेन हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड क्विकली। तो कैटलिस्ट का कोई भी जो रोल है इक्विलिब्रियम के अंदर वो रिएक्शन को स्टॉप नहीं करता या कुछ और नहीं करता, बस उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आज की मेरी क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, एंड डेली मेरी क्लास होगी, मैं डेली अपलोड करूंगी। तो आप लोग इस क्लास को पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस होंगे क्लास में। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर टुडे, एंड मेरे लिए जो सीखने वाली चीज थी जो मेरे साथ कल हुई वो ये थी कि जब मैं लाइव जाने की कोशिश कर रही थी तो मेरी क्लासेस ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ और आपको नया सीखने की जरूरत है। तो लाइफ में नया नया सीखते रहें, अपनी जर्नी में अपना बस यही चीजें एक्सपीरियंसेस हैं जिसको आप बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड keep looking for more classes.